द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। दमोह में कोरोना कर्फ्यू में चेकिंग के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक हाथ में तलवार लेकर चौराहे पर पहुंच गया। वो पुलिस से बोला, कहाँ है कोरोना, मुझे कोरोना करके बताओ, मैं माता का भक्त हूँ। पुलिस ने युवक को समझाइश देकर शांत कराया और तलवार जब्त की। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। एक तरफ जहां देश में कोरोना वैक्सीन की कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। नरसिंहपुर के करेली बस स्टैंड के पास एक्सिस बैंक के सामने सड़क किनारे एक कोल्ड चेन का कंटेनर ट्रक लावारिस हालत में चालू खड़ा मिला है। करेली पुलिस ने जब पड़ताल की तो गाड़ी के कागज देख कर पुलिस के होश उड़ गए। कागजों की जाँच में पता चला कि ट्रक में कोरोना वैक्सीन की 2,40,000 डोज रखी हुई है। ट्रक चालू खड़ा है और ड्राइवर कंडक्टर का कहीं अता पता नहीं है। टीकमगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस लाख प्रयास कर रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन की ओर से घर में ही शादी समारोह करने के आदेश हैं, बावजूद इसके लोग बारात भरकर ले जा रहे हैं। लेधौरा में ऐसे ही शादी में शामिल होने जा रहे 22 लोगों को पुलिस ने मुर्गा बना डाला। वो बाराती बनकर जा रहे थे। ग्वालियर कमला राजा हॉस्पिटल में डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां शनिवार शाम दो महिलाओं की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। महिलाओं के परिवार वालों को डॉक्टरों ने अस्पताल में दौड़ा दौड़ा कर डंडों से पीटा। इस दौरान कंबू थाना पुलिस भी मौजूद थी। बीच बचाव करने पर पुलिस से भी झूमा झटकी हुई। बीबी का मंगलसूत्र बेचकर ऑटो एम्बुलेंस बनाकर जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए निकले जावेद खान पर शनिवार को पुलिसिया डंडा चल गया। चेकिंग के दौरान न सिर्फ जावेद के ऑटो को रोक लिया गया बल्कि उसे थाने ले जाकर उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई भी कर दी गई है। इस बीच ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे एक परिवार को मुश्किल का सामना करना पड़ गया। इंदौर के एप्पल अस्पताल में युवक की कोरोना से मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रबंधन 4.5 लाख रुपए जमा करने पर अड़ा था। परिवार वालों का आरोप है कि बाहर से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी वही लाए थे। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। काफी विवाद के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव सौंपा। मुरैना में चालान काटने के बाद कोरोना नहीं होगा, क्योंकि मत ये हम नहीं कह रहे, सरकारी अधिकारियों का तो यही मानना है। जी हाँ, ये गारंटी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने वाले अफसरों की है। शायद यही वजह है कि बस में 10 की जगह सवार 50 बारातियों को 500 रुपए चालान काटकर जाने दिया गया। गुना में कोरोना संक्रमित पिता की मौत के बाद बेटे की एक हरकत से 8 गंभीर मरीजों की जान पर बनाई। उसने वार्ड में रखा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तोड़ दिया, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम की पाइपलाइन तोड़ने की कोशिश की। वार्ड बॉय और मरीजों के परिजन ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जबलपुर में कोरोना पूरे जोरों पर है, मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि भीड़ जुटाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक परिवार ने एक साथ अपनी दो बेटियों की शादी आयोजित की, इसमें 400 से ज्यादा मेहमान बुला लिए, शादी की अनुमति भी नहीं ली थी। शादी कार्यक्रम चल ही रहा था कि हनुमान ताल पुलिस वहां बिना बुलाए मेहमान की तर्ज पर पहुंच गई। आयोजनकर्ता के खिलाफ हनुमान ताल थाने में FIR दर्ज की गई है। अशोकनगर में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद शहर में लग रही लोगों की भीड़ को लेकर पुलिस सख्त दिखाई दी। शहर की सड़कों पर निकलने वाले लोगों को पुलिस ने रोका और घर से बाहर निकलने का कारण पूछा। इस दौरान सही वजह नहीं बताने वालों और बाइक पर सवार एक साथ 3 लोगों के सवार होने के कारण पुलिस ने सबक सिखाने के लिए लड़कियों समेत लड़कों को उठक बैठक लगवा दी।
द ग्रैंड पैलेस। बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई बाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।